हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। घर में सिर्फ ब्रेड रखी हो तो हम झटपट गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें मावे की जरूरत नहीं है और स्वाद ऐसा ऐसा लगेगा कि हलवाई वाले गुलाब जामुन खा रहे हो। तो आप जरूर बनाए, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। हमने यहाँ पे ब्रेड के पीस ले लिए हैं। इन्हें देखिए हम किनारों से कट कर लेंगे। जो इनका ब्राउन वाला भाग होता है आप उन्हें ज़रूर अलग कर लें। तो देखिए सारे ब्राउन पार्ट्स मैंने अलग कर लिए हैं। उसके बाद देखिए बीच में इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो एक ब्रेड के आपको इस तरीके से 4 पीस करने हैं। या आप चाहे तो हाथों से तोड़कर इसको ग्राइंडर जार में आप डाल सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब ग्राइंड की हुई ब्रेड को हम यहाँ पे एक बोल में डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर डाल लेंगे 1/2 बोल मिल्क पाउडर। आपको यहाँ पर डालना है। मिल्क पाउडर डालने से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब अच्छे से इसे आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दूध ले लिया है थोड़ा सा। थोड़ी थोड़ी करते हुए हम यहाँ पे दूध डालेंगे और इसका डो सा हमें यहाँ पे लगाना है। तो हल्के हल्के हाथों से ही आपको डो लगाना है। बहुत सख्त हाथ से आप ना लगाएं, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तब तक डो को हम 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। तो 2 बोल हमने यहाँ पे डाल लिया है पानी और 2 बोल हम यहाँ पे चीनी डाल लेंगे। तो जितना पानी आपको लेना है उतना ही आपको उसी बोल से चीनी लेनी है। 2 हरी इलायची को इस तरीके से तोड़ के यहाँ पे डाल लेंगे। हरी इलायची का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और गुलाब जामुन में चाशनी में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और लगातार चम्मच से आप ज़रूर चलाते रहे, क्योंकि चीनी भी कभी कभी तली चिपक जाती है तो हमारी चाशनी कड़वी हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए चाशनी हम एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ढक्कन लगा के भी पका ली है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये मेरे पास केसर कलर है वो यहाँ पे डालेंगे, ताकि हमारे गुलाब जामुन देखने में भी और ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो रहने दें। तो चीनी में जो भी गंदगी होती है उसे साफ़ करने के लिए आप यहाँ पे 1 चम्मच दूध डाल दें। तो इसमें गंदगी जो होती है वो किनारे झाग के उसमें आ जाएगी। तो ये देखिए आप किनारे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा झाग सी जमा हो गई है। तो यही चीनी की गंदगी होती है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से झाग हम निकाल लेंगे किनारों से। अब देखिए हमारी चाशनी कितनी साफ़ लग रही है। अब गैस को अब हम यहाँ पर तुरंत बंद कर देंगे। हमें यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। बस उंगली से आप ऐसे टच करें बीच में तो हल्की सी बस चिपचिप लगनी चाहिए, इतनी ही चाशनी हमको चाहिए। अब देखिए हम जल्दी से गुलाब जामुन बनाने के लिए पेड़े बना लेते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा घी या तेल आप लगा लें। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको पेड़े बनाने हैं। सख्त हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे भी रहेंगे और चाशनी भी अच्छे से नहीं पी पाएंगे। हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट आपको यहाँ पे पेड़े बनाने हैं। और ध्यान रखना है पंखे की हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद देखिए गर्मा गर्म तेल में हम ये गुलाब जामुन डालेंगे और एक बार में जितने आ सके आप डाल लें। और जब सारे गुलाब जामुन आप डाल लेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम में हम इन्हें पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपको थोड़ा और डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ी देरी से और भी पका सकते हैं मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। उसके बाद चाशनी हल्की गुनगुनी हो चुकी है और गरम गरम गुलाब जामुन हम इसमें डालेंगे। आपको ऐसे ही डालना है, चाशनी हल्की गरम होनी चाहिए और गुलाब जामुन तुरंत तेल से निकालते ही आप इसमें डुबो दें। और आधे घंटे के लिए आपको इसमें गुलाब जामुन छोड़ने हैं। आधे घंटे बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, जूसी हो गए। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने पूरा रस पी लिया है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने, अंदर तक इसमें चाशनी भरी हुई है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, त्योहारों के सीजन में बना सकती हैं। आपका ऐसे ही मीठा खाने का दिल हो तो झटपट से बना सकती हैं। ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत ही यम्मी लगते हैं।
तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।